हाल ही में चिरोड़ी ग्राम पुलिस थाना चांदूर रेलवे यहाँ पर कुछ न्यूज कवरेज करने गए सिटी न्यूज की टीम पर वहाँ के वार्डन ने भ्रष्टाचार उजागर करने के डर से जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे उन पत्रकारों पर हमला किया और उनका कैमरा तोड़कर नष्ट किया और कैमरा लेकर भाग गए। पत्रकारों पर आए दिन कुछ न कुछ इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। घटनाएं होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन घटनाओं के बाद में जो उसकी चौकसी होनी चाहिए, जो उसके परिणाम होने चाहिए, वो अपेक्षित परिणाम नहीं आते। कहीं ना कहीं इसमें पत्रकारों का मनोबल गिरता है, लेकिन फिर भी पत्रकारों की हिम्मत है कि कहीं पर भी ऐसे क्षेत्र में वे पीछे नहीं हटते। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति बार बार होती है। अब तक महाराष्ट्र में करीब 200 से ऊपर ऐसे हमले पत्रकारों के ऊपर हो चुके हैं। चिंता का विषय है, क्योंकि पत्रकार जब न्यूज कवरेज करने जाता तो अधिकतर उसे उस जगह जाना पड़ता जहां भ्रष्टाचार होता है, जहां पर अपराध होता है। निश्चित सामने वाले निश्चित रूप से संगठित है और पत्रकार सिंगल व्यक्ति जाता है, उसके साथ में एक कैमरामैन होता है, टीम बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसे समय में अपेक्षा रहती है पुलिस से और सहयोगी संस्थाओं से। आज हम ऐसे ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, हमारे सौभाग्य के अमरावती में उनके सदस्य मौजूद है और उनको ही सारी घटना की हमने जानकारी दी। प्रेस काउंसिल का ऐसे समय पर क्या रोल हो सकता है, क्या वे अपने पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनके नियम में क्या बैठता है, ताकि ऐसे बार बार ऐसे इन चीजों की पुनरावृत्ति न हो। हम मिलते हैं अनिल जी अग्रवाल, जो अमरावती मंडल और मातृभूमि के प्रमुख संपादक है और प्रेस काउंसिल के सदस्य है, जो महाराष्ट्र के लिए एक सदस्यीय समिति गठित की गई उसके सदस्य भी है। हाल ही में कई पत्रकारों पे हिंगोली में भी हमले, उन्होंने बहुत अच्छे से मामला सुलझाया, इस मामले पे भी उनसे जांच देगी। अनिल जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज में। हाल ही में जैसे कि आपको प्रकरण पूरा हमने बताया कि चिरोड़ी में जहाँ न्यूज कवरेज करने गए थे, निश्चित उसने हमला किया तो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलने का उसको डर था, जो हम वहाँ दिखा रहे थे। उसने हमला किया, सारा का सारा उनका साहित्य नष्ट कर दिया। तो ऐसे परिस्थिति में पत्रकार संघ बोलो, आपकी प्रेस काउंसिल बोलो, जो भी इस संगठन का क्या रोल होता है, क्या करना चाहिए उन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज के पत्रकारों के साथ चांदूर रेलवे तालुका के चिरोड़ी ग्राम में संबंधित आश्रमशाला में वहाँ के गार्डन ने जो हमले की घटना की है, हमला किया है, उसकी घोर निंदा करता हूँ सर्वप्रथम, और घोर निंदा चहुओं ओर से करता हूँ। चहुओं ओर शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के नाते, प्रेस क्लब ऑफ अमरावती के अध्यक्ष होने के नाते, दो अखबारों के संपादक होने के नाते, और संयोग है कि महाराष्ट्र में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की समीक्षा के लिए जस्टिस मार्कंडेय कार्जू ने जो समिति गठित की है, उस एक सदस्यीय समिति के एकमात्र सदस्य होने के नाते मैं इस संपूर्ण घटना की सर्वप्रथम निंदा करता हूं, और उसके साथ साथ मैं सराहना भी करूंगा सिटी न्यूज़ के पत्रकारों की। वो इसलिए कि स्थानीय चैनलों को ऐसी अवस्था में जाकर पत्रकारिता करना और पत्रकारिता करते समय इन सब मुसीबतों को झेलना, हमलों को झेलना, इसके बावजूद अपना काम निरंतर रूप से जारी रखना, इसके लिए मैं सिटी न्यूज़ के पत्रकारों की सराहना करता हूँ। जैसा कि चंदू भाई आपने अभी पूछा कि प्रेस क्लब का क्या रोल है, प्रेस क्लब ये पत्रकारों की जिला स्तर की संगठन है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल है, यानी प्रेस काउंसिल जो पार्लियामेंट द्वारा गठित कोशी जुडिशरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं सर्वप्रथम तो आपको बताऊं कि प्रेस क्लब ऑफ अमरावती ये जिला स्तर के अखबारों का संगठन है, जिसमें आप भी उपाध्यक्ष हैं। हम इसका किसी भी पत्रकारों पर होने वाले हमले के बाद उसका निषेध करते हैं, उसका विरोध करते हैं और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हैं। और जैसा कि आपको भी विदित है कि जिस दिन घटना हुई, जैसे ही मुझे पता चला, तो चांदू रेलवे के जो SDO है अंकित गोयल, मैं उनसे लगातार संपर्क में था और वहाँ के गार्डन ने, जिसने खुद पहले हमला किया सिटी न्यूज़ के पत्रकारों पर,
आपका कैमरा, सिटी न्यूज़ के पत्रकारों का कैमरा तोड़ा, और वहाँ बाहर तक कैमरा तोड़ने के बावजूद उसके कुछ पार्ट्स को लेकर वो भाग गया, उसने मतलब कैमरा छीन लिया और पत्रकारों की पिटाई करने की कोशिश की, जिसमें घोर निंदनीय बात यह है कि सीनियर पत्रकार अशोक भाई जोशी, युवा पत्रकार मेरे छोटे भाई प्रदीप सुजतिया और कैमरा मैन, ये सारे लोग शामिल थे। इस सारी घटना को लेके उस दिन गोयल एसडीओ से लगातार संपर्क में था मैं, और मैंने उस एक सदस्यीय समिति के नाते यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु को एक कड़क चिट्ठी भी लिखी है, और मैंने उनसे कहा है कि संपूर्ण मामले की रिपोर्ट आप मुझे सौंपे, ताकि महाराष्ट्र में जो पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं उसकी समीक्षा की रिपोर्ट सौंपते समय मैं इस घटना को उसमें शामिल करूं, क्योंकि मेरा अपना जिला है, मेरे अपने ज़िले में इस तरह की घटनाएं होना घोर निंदनीय है। अभी हाल ही में 12 और 13 तारीख को हमारी समिति की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ अपॉइंटमेंट है, भेंट है, वहाँ भी मैं इस मुद्दे को उठाऊँगा, और 12 या 13 या 14 जो भी तारीख होती है उस दिन मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि वो जो जो हमलावर है उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, और जो अंडर कंसिडरेशन अभी तक पुलिस ने रखा है, पता नहीं अंडर कंसिडरेशन क्यों रखा है, जब उसने कैमरा छीन कर ले गया, जब उसने कैमरे की तोड़फोड़ की तो उसके खिलाफ 392 का अपराध दर्ज होना चाहिए, वो अपराध भी उसके ऊपर दर्ज हो, मैं इसकी आपके माध्यम से, सिटी न्यूज़ के माध्यम से मांग करता हूँ। और आने वाले दिनों में इस तरह के पत्रकारों पर जो हो रहे हमले हैं महाराष्ट्र में, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें केवल पत्रकारिता ऐसा स्तंभ है जिसकी सुरक्षा की ना केवल अमरावती, सबसे ज्यादा ईमानदारी से वही एक स्तंभ काम कर रहा है। जी जी, जबकि आप अभी देख रहे होंगे कि जितने घोटाले हैं वो मीडिया उजागर कर रहा है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जितने नेताओं पे नकेल है वो मीडिया कस रहा है, और जुडिशियरी पर भी आज ये अवस्था है कि जुडिशियरी के खिलाफ भी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में कई कार्यक्रम चलते हैं, टीका टिप्पणी होती है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद चारों स्तंभों में हमारा एक ऐसा स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा आधार स्तंभ हम जिसे कहते हैं, जो अपने आप में सबसे असुरक्षित है। आपने देखा होगा कि मुंबई में पिछले वर्ष जेडे की हत्या हुई, उसके बाद जब मैं परभणी अभी गया था हमारी कमेटी, तो परभणी में एक पत्रकार के खिलाफ एसिड फेंकने की घटना हुई, उसके संपूर्ण परिवार पे वहाँ गुटखा तस्करों ने एसिड फेंका, जिसमें वो, उसकी पत्नी, उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हुए। वहाँ के जो जिला पुलिस अधीक्षक थे संदीप पाटिल, हमारी कमेटी ने उनसे जाके मुलाकात की, और ये बहुत अच्छी बात रही, संदीप पाटिल ने वहाँ के आरोपी को तड़ीपार किया, उसकी संपत्ति कुर्क की, और करीब 4 महीने तक उस आरोपी की जमानत नहीं हुई। रिजल्ट काफी अच्छा मिला, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और हम यहाँ राह देख रहे हैं कि 2 या 3 दिन या 4 दिन हम यहाँ की जिला पुलिस को देंगे, उसके बाद फिर हमको जो कार्रवाई हमको करनी है या जो मांग अपने स्तर पर करनी है, कई सारी मर्यादाएं मेरी भी है प्रेस काउंसिल के सदस्य होने के नाते, कौशल जुडिशरी बॉडी होने के नाते, मैं सारी बातें कैमरे के समक्ष नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 3 या 4 दिन देने के बाद मैंने वीरेश प्रभु से भी बात की है कि आप इसमें जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है करिए, और उसकी रिपोर्ट मुझे सौंपिए। आज यहाँ डीजी महाराष्ट्र पुलिस भी आए थे, मुझे ये भी पता चला कि उसमें जो 2 घंटा अंदर मीटिंग चली उसमें पर्टिकुलर ये हमले की चर्चा हुई, और इसकी सारी रिपोर्ट ली गई, और डीजीपी ने भी कड़क आदेश दिए हैं। हम डीजीपी के दौरे के बाद 2 दिन और राह देखेंगे, इंतज़ार करेंगे 2 या 3 दिन, कल गोयल से बात करने के बाद एक फैसला लेंगे कि क्या हमको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, या क्या विरोध प्रदर्शन करना है, या क्या मांग करनी है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिले के सारे पत्रकार एक सुरक्षित भावना में काम कर सके, खुले तौर पर काम कर सके, और स्वतंत्र वातावरण में काम कर सके, न केवल जिले के बल्कि पूरे महाराष्ट्र के। अभी आपने अपनी प्रस्तावना में बताया कि महाराष्ट्र में 200 से अधिक हमला हुए, मेरे पास जो जानकारी आती रहती है, मेरी जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र में इस वर्ष, केवल इस वर्ष 500 से अधिक छोटे मोटे पत्रकारों पर हमले हो चुके हैं, और महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है, प्रगतिशील राज्यों में इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुआ करती थी, और इसी की चिंता के कारण मैंने जब जस्टिस मार्कंडेय काटजू को हमारी प्रेस काउंसिल की पूर्ण परिषद की बैठक में जब ये मुद्दा उनके ध्यान आकर्षण में लाया, तो उन्होंने एक सदस्यीय समिति गठित की,
इस सदस्य एक सदस्य समिति का संपूर्ण काम हो चुका है, अब अंतिम बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिसे हम कह सकते हैं उनके साथ है, उनसे भेंट के बाद एक संपूर्ण रिपोर्ट मैं मार्कंडेय कार्तिक के समक्ष पेश करूंगा और मैं यही चाहूंगा कि जिसमें उस रिपोर्ट में इस घटना को भी शामिल किया जाए। भी जैसे हर बार पुलिस को क्या होता कि कुछ घटना हो जाती है उसके एविडेंस नहीं मिलते तो बहुत सारी केस नहीं होती, यहाँ क्या दो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में पत्रकारों के साथ में हो गए, एक तो पुलिस को कभी भी पत्रकार पहले सूचना दे देता है उसी समय जो होता है सबसे पहला काम वो पुलिस को करता है, बाकी जितने भी लोग हैं उसमें एक पत्रकार इस मामले में काफ़ी जागरूक होता है, ये चीज़ जैसी वहाँ पे घटना घटी मुझे सूचना दी गई, मुझे सूचना मिली, मैंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना देने के 1.5 घंटे बाद तक भी पुलिस की वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस यानी हमारी जो सूचना दी उसको नज़रअंदाज कर दिया टोटली। मुझे पहली शिकायत पुलिस से ये है और आपके पास मैं शिकायत रख रहा हूँ कि पुलिस सबसे पहले ऐसे समय हमारा सबसे पहला जो सुरक्षा के लिए हमको जिसकी आवश्यकता होती है वो पुलिस है, क्योंकि हम लोग तो अपनी सुरक्षा नहीं, हम लोग तो वहाँ लड़ेंगे, हमारा पेशा नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है वो कि हम लोग भी उनसे लड़ ले में कर गए जी, तो ऐसे समय में पुलिस का भी रोल यहाँ पे हमारा प्रति संदिग्ध हो गया। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे घोटाले सब चीजों में निकालने में हमेशा पत्रकार, तो क्या कहीं ऐसा जानबूझ के तो प्रशासन का हमारे तरफ ऐसा ध्यान नहीं होता कि भाई इनकी सुरक्षा ही नहीं करनी है, इनको सुरक्षा ही नहीं देनी, इनको यही नहीं करने दो करके, कई जगह आपका ऑब्जर्वेशन में क्या आया है? कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मैंने परभणी, मैंने भंडारा, मैंने नांदेड़ इन सब जिलों के दौरे किए, तो वहाँ पे पत्रकारों की यही मांग थी और यही विरोध प्रदर्शन था कि पुलिस उन्हें जितनी चाहिए उतनी सुरक्षा देती नहीं है। मुझे लगता समय पे भी बात ज़्यादा कम के बता, एक समय पे सुरक्षा, उस दिन जैसे मैंने फ़ोन किया, यदि ठीक है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, समझो वहाँ बड़ा हादसा हो जाता तो क्या इसकी राह देखती है पुलिस? नहीं, मैं तो आप मतलब सिटी न्यूज़ के पत्रकारों के साथ जो घटना है उसको लेकर यही मांग करूँगा कि पुलिस जो सूचना देने के बावजूद इतनी देरी से पहुंची, इसके लिए हमारे अमरावती के जिला पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु, संबंधित पुलिस के खिलाफ, संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो दोषी है जो वहां 2 घंटे तक नहीं पहुंचे, और पत्रकारों के द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद जिस व्यक्ति ने हमला किया उसकी सूचना के आधार पर वहाँ पहुँचने की जिन्होंने बात कही, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई की एक मांग प्रभु से करता हूँ, वीरेश प्रभु जी से, मैं उनसे आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ, और मैं ना केवल प्रभु से, मैं वहाँ के SDO गोयल से भी ये मांग करता हूँ कि आप संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो जानबूझकर वहाँ देरी से पहुँचे, जो चाहते थे कि पत्रकारों के खिलाफ और कुछ तो भी वहाँ पे घट जाए, मैं उनके खिलाफ भी आपके माध्यम से ही कार्रवाई की मांग करता हूँ, और मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा भी है कि वहाँ जो पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी जानबूझकर देरी से पहुँचे उनके खिलाफ भी पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करे। और आपने जो बात कही है कि अब पुलिस के बारे में क्या कहा जाए चंदू जी की सबको सब मालूम है, सब कुछ सभी बातें पता है, और ऐसे ऐसे वक्त तो मुझे कभी कभी लगता है कि पुलिस वाले भी पत्रकारों के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि क्या है, हमें जो गलत है उनके खिलाफ ही हमेशा काम करना पड़ता है, और गलत व्यक्ति कोई अच्छे नहीं है जी, तो हमारा हमेशा जो जाने की जगह रहती है वो कहीं ना कहीं खतरनाक बोलो वैसी जगह रहती है, वैसी जगह पे हमको घूमना पड़ता है। जो भी पत्रकार लोग हैं सब अपनी जान जोखिम में डाल के ही ये काम करते हैं, और इसके लिए कोई उनको स्पेशल सरकार की तरफ से कोई अवार्ड नहीं कि आपने चलो जैसे हमने चलो भ्रष्टाचार खोल दिया, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पर तो ऐसा हुआ कि आपको बताऊं कि वहाँ पे हम लोग तो मारपीट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम पर भी मारपीट की केस लगाई गई वहाँ पे कि हमने भी वहाँ पे किया, फिर पुलिस अधिकारी हम पे वहाँ दबाव बनाते कि नहीं आपने वो सरकारी अधिकारी था, आप पे 353 लगेंगे।